देख रहे हैं सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। छत्तीसगढ़ सरकार पर 86,000 करोड़ का कर्ज, रायपुर छग सरकार को 2,000 करोड़ का कर्ज चाहिए। सरकार इसके लिए अपना बांड प्रतिभूति बेच रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 दिसंबर को जारी इस नोटिफिकेशन में सरकार ने बताया है कि बांड की बिक्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आईबीआई के माध्यम से होगी। बता दें कि राज्य में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद यह दूसरी बार है जब राज्य सरकार कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले राज्य सरकार ने नवंबर में 1,000 करोड़ कर्ज लिया है। 28 नवंबर को लिया गया यह कर्ज राज्य सरकार 7.75% ब्याज दर से लौटाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़कर 46,000 करोड़ के पार चला गया। है डॉलर 20 रुपी, रुपया ने आज डॉलर को पछाड़ा। जानिए कितने की आई बढ़ोतरी। डॉलर 20 रुपी न्यूज भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति निर्णय से पहले घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख को देखते हुए शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे बढ़कर 3.83 पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत रुख के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे बढ़कर 3.37 पर खुला। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3.36 पर बंद हुआ। धीरज साहू के ठिकानों पर बेहिसाब कैश की गिनती जारी। 300 करोड़ नकद मिला। 136 में से कई बैग अब भी खुलने बाकी। धीरज साहू के यहां पकड़ा गया कैश किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में पकड़ा गया अब तक का सबसे अधिक काला धन है। इसके अलावा 3 सूटकेस ज्वेलरी मिली है। सूत्रों ने बताया कि अभी तक 250 करोड़ रुपए से अधिक नकदी जब्त की जा चुकी है और ओडिशा में सरकारी बैंक शाखाओं में लगातार नकदी जमा की जा रही है। ये नोट अधिकतर 500 रुपए के हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश की गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 4 दिन बाद भी नोटों की गिनती लगातार जारी है। 136 बैग में भरे कैश की गिनती होनी है, लेकिन सामने आया है कि अभी भी कुछ बैग खुलने बाकी है, जबकि जब्त की गई रकम अब 300 करोड़ तक पहुंच सकती है। बता दें कि शुक्रवार को जब नोटों की गिनती की गई थी तो 225 करोड़ रुपए की रकम सामने आई थी। आईटी अधिकारियों को संदेह है कि जब्त की गई कुल रकम 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। एनएमडीसी स्टील प्लांट से शातिर तरीके से लोहे की चोरी। सीआईएसएफ के जवानों ने एक ही नंबर के 2 ट्रकों को पकड़ा। जिले के नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट से लोहा चोरी का मामला सामने आया है। प्लांट में शातिर तरीके से प्लान कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। सुरक्षा में लगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने लोहा चोरी करते हुए एक ही नंबर के 2 ट्रकों को पकड़ा है। उसके बाद मामले की सूचना नगरनार थाने में दी सीआईएसएफ के जवानों को। चोरी का शक तब हुआ जब मालवाहक ट्रक में लोहा ओवरलोड प्राप्त हुआ। इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। इस बीच दोनों ट्रक के चालक मौके से फरार हो गए। एनएमडीसी के सुरक्षा अधिकारियों ने घटना को लेकर नगरनार थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मौके पर पनहुची पुलिस ने चोरी में उपयोग हो रहे वाहनों को जब्त कर लिया है। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएमडीसी स्टील प्लांट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन से पहले भी कच्चा लोहा चोरी की घटना सामने आई थी, लेकिन तब एनएमडीसी स्टील प्लांट में प्राइवेट सिक्योरिटी के जवान तैनात हुआ करते थे। पिछले मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की थी। रायगढ़ में बनेगा नालंदा परिसर। एमएलए ओपी चौधरी ने जिलाधीश से की चर्चा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ में भी जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की नालंदा परिसर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। बीजेपी विधायक ओपी चौधरी ने जिलाधीश कार्तिकेय गोयल से इस मामले में चर्चा भी की है। नालंदा परिसर ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। प्रदेश के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग सहित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने या बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रायपुर में 6 एकड़ में विश्व स्तरीय भवन तैयार किया गया है। इस परिसर को नालंदा परिसर नाम दिया गया। एनआईटी के पास आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने यह परिसर बनी। आईएनडी
वर्सेस एसए फर्स्ट टी20 प्लेइंग 11 ओपनर नंबर 3 और विकेट कीपर पर सस्पेंस। अफ्रीका के खिलाफ ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, टीम इंडिया प्लेइंग 11 वर्सेस साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका और भारत की टी20 सीरीज का पहला मैच है। इस मैच में प्लेइंग 11 भारत को लेकर कप्तान सूर्य कुमार यादव कई बदलाव कर सकते हैं। विकेट कीपर ओपनर्स को लेकर सूर्या को मंथन करना होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 10 दिसंबर को 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच है। ये मैच डरबन के ऐतिहासिक किंग्समीड स्टेडियम में खेला जाएगा। ये वही मैदान है जहां युवराज सिंह ने 2017 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के जड़े थे। भारतीय टीम बुधवार को डरबन पहुंची थी। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा भी अब टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई घरेलू टी20 सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन अब अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में इन दोनों का खेलना तय माना जा रहा है। शुभमन गिल के आने के बाद टीम इंडिया की सबसे बड़ी माथापच्ची ओपनिंग को लेकर होगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में ओपनिंग आर्तुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल ने की थी। गिल का खेलना तय है, ऐसे में उनका ओपनिंग पार्टनर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। WPL ऑक्शन 2024 वुमेन्स प्रीमियर लीग का मिनी ऑक्शन खत्म, जानी ऑक्शन के बाद कैसा दिख रहा है पांचों टीमों का स्क्वाड। WPL ऑक्शन 2024 वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े और चकाचौंध टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग के बाद बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग की भी शुरुआत की, जिसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। महिला प्रीमियर लीग का दूसरा सत्र अगले साल होने जा रहा है, जिसके पहले शनिवार को मिनी ऑक्शन के लिए बाजार सजा। इस ऑक्शन में वर्ल्ड महिला क्रिकेट के 14 देशों के कुल 165 खिलाड़ी शामिल हुई, जिसमें से इस लीग में खेल रही 5 टीमों ने मिलकर 30 स्लॉट के लिए बोली खत्म की। WPL का ऑक्शन खत्म, 5 टीमों ने खरीदे 30 खिलाड़ी। काश्वी गौतम और एनाबेल सदरलैंड बनी सबसे महंगी खिलाड़ी। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने से पहले कराई जा रही EKYC रद्द होंगे बोगस कनेक्शन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरे होने का इंतजार है, जिसमें गैस सिलेंडर में मिलने वाली सब्सिडी भी शामिल है। केंद्र सरकार अब गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी घरेलू गैस कनेक्शन धारियों का EKYC करा रही है। सिलेंडर लेने पहुंच रहे उपभोक्ताओं की बायोमेट्रिक डिटेल लेकर EKYC की जा रही। ऐसे में जिनका कनेक्शन है वही पात्र रहेंगे, बोगस कनेक्शन रद्द हो जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर ATK न्यूज चैनल पर, और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से